क्लर्क सामने देखो। ऊपर इसके पांच, अंदर अंदर क्या है, कितने हैं? चार भूत प्रेत अंदर। कई खुराक दवा, क्या निकलेगा उल्टी में? घुगनी। इसको क्या परेशानी होती होगी भूत प्रेत से? इधर ताकिए मैडम, ऐसा होता है जैसे बता रही हैं पुष्टि करने वाला? ऐसा जैसा वो बता रही हैं ऐसा होता है? जो जो बता रही हैं पक्का? कितना पढ़ी लिखी हैं आप? 12 बोले तो 12 पढ़ी हैं, पढ़ी लिखी हैं, अनपढ़ नहीं है। लोग साइंटिस्ट वैज्ञानिक बोलते हैं अनपढ़ों को भूत प्रेत पकड़ता है, ठीक है आप पढ़ी लिखी है। क्या इसके पहले भूत प्रेत को मानती थी आप? भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते? नहीं होते हैं, मानती नहीं थी, तो कैसे मानने लगी? क्या दिख रहा है आपको? है भूत प्रेत महसूस कराते हैं, दिखते नहीं है भूत प्रेत, आत्माएं दिखती नहीं है। जैसे हवा है, ऑक्सीजन हम लोग खा रहे हैं ना, हवा दिखता है नहीं दिखता है मगर मालूम होता है, तो महसूस होता है, वैसे ही भूत है। आपके ये हस्बैंड हैं, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से, हाँ जी। तो भूत प्रेत से क्या परेशानी होती थी आपको? भूत प्रेत से काफी सारी परेशानी थी। अगर मैं इसकी बात मैं अपनी तो मेरे पेट में दर्द रहता था, इसके अलावा चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा करने का हमेशा बना रहता था, और इसके अलावा प्रॉब्लम होती सोने के अंदर, और मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं सोता था, अलग सोता हूँ, और कोई भी छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है। तो ये भूत प्रेत जो है आपके प्लस इधर दोनों जो है आपस में लड़ाई लगवा देते हैं, गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। भूत प्रेत को इतना पावर ये मालिक ही ने दिया है, हम लोग नहीं दिया है, मालिक ही ने दिया है। तो पहली बार आए थे, आज दूसरी बार आए? आज दूसरी बार आए। तो इसके पहले पुष्टि में आपके ऊपर भूत कितने थे? मेरे ऊपर जो थे 9 थे और अंदर में 6 बताए थे। तो ऊपर का भूत मरवाने से क्या फायदा हुआ? ऊपर का भूत मरवाने से पेट का जो दर्द था वो थोड़ा कम हो गया, अब चिड़चिड़ापन थोड़ा कम है। ठीक है, डॉक्टर वॉक्टर को इस बारे में दिखाया कभी? डॉक्टर 2 या 3 डॉक्टर मैंने किए थे, लेकिन उनसे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो डॉक्टर झोला छाप थे या पढ़े लिखे? MBBS पढ़े लिखे डॉक्टर थे। अच्छा, कहाँ पर? माता चंदन एक हॉस्पिटल है, काफ़ी अच्छा फेमस हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो वहाँ पे 2-3 डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैं दिल्ली के अंदर 2-3 बाबा जिनसे बताए गए थे, बाबाओं लोग बाबाओं लोग के बाद, तो वो हर शनिवार बुलाते थे कि 5 शनिवार करोगे तो आपको पता लगेगा। तो मैंने 5 भी किए, मैं पिछले 3 महीने से वहाँ पे जाता रहा, कुछ फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद फिर इंटरनेट पे मैंने देखा मेरा वीडियो जी, आपका वीडियो देखा, तो उसके बाद विश्वास थोड़ा बना, तो आज मैं दूसरी बार आपके पास दूसरी बार आया जी। मेरा ऐसा है कि दिल्ली में 95% बाबा जो है फर्जी हैं, कुछ करते नहीं है, बेवकूफ बनाकर पैसा ले लेंगे। जैसे आपके बहुत से बाबा हैं, अब नाम क्या हम लोग कितने हैं, 95%। तो यहाँ आने से आपको फायदा है? यहाँ आने से फायदा है, पहले से राहत है। उल्टी होने में क्या निकला आपको? उल्टी होने पे पनीर निकला था लगभग। फोटो दिखा सकते हैं? मोबाइल में आए आपके, दिखाइए। चलो अभी मैं हाजिर कराने की भी कोशिश भी करूंगा भूत प्रेत आपके ऊपर या आपकी पत्नी के ऊपर, अगर हाजिर हो जाएगा तो ये पनीर कौन खिलाया कब खिलाया ये भी पता चल जाएगा आपको। चलो अभी ये हम अपने कैमरे को दिखाते हैं पनीर, कितना लगभग पनीर निकला होगा? ये 5 दिन में लगभग 200-250 ग्राम पनीर, 200-250 ग्राम पनीर ये निकला होगा पक्का जी। 200-250 ग्राम निकला जी। चलो पनीर खा के दवाई तो नहीं खाया? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। वैसे आप काम क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ और मेरा एडमिशन सेंटर है। अच्छा, खुद का आत्मा? मेरा खुद का एडमिशन सेंटर है। चलो ठीक।